हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपकी संजू यादव। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। और यही पीछे देख लो, ये ठंड का नज़ारा है। और आप लोग के यहाँ ठंड है कि नहीं? आप लोग ठंड से बच के रहिए, बहुत ज़्यादा ठंड है कि बाहर निकलना मुश्किल है। यहाँ तक कि बच्चे हमारे स्कूल गए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप सब ठंड से बचा के रहिए, अपने फैमिली को ही बचाइए, छोटे जिसके घर में छोटे बच्चे हैं आप लोग छोटे बच्चों को बचाइए और खुद बच के रहिए। ठंड किसी का वो नहीं है, लगती नहीं है ठंड। अगर लग जाती है तो फिर वही हाल है कि बहुत बेकार हालत कर देती है। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं आप सबसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए। क्या बताऊं दोस्तों, ऐसी हम लोगों की स्थिति हो गई, हम लोगों की क्या, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो नहीं कहते थे वो भी कह रहे हैं कि नाचती है, गाती है, वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग उनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम ऐसे ही सबके बातें सुनते रहेंगे, क्या करें दोस्तों। इस लाइन में तो हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थिति थी तो हम सोचे कि हो सके हमारी पब्लिक सपोर्ट कर देंगे तो हम भी उस कामयाब हो जाएंगे। तो आप लोग बहुत प्यारा प्यारा से कमेंट करिए, सपोर्ट करिए और मैं आप लोग की बदौलत ये चैनल बनाई हूँ। और आप लोग को बहुत उम्मीद से वीडियो अपलोड करके भेजती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और हमारे ब्लॉग वीडियो में जो कमी है, जो त्रुटियाँ हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए तो मैं उसको सुधार करूँगी। और आइए हम लोग कुछ बातें करते हैं। श्री राम जी की नगरी में बहुत धमाका मचा है, हमारी नगरी बहुत गुलजार हो गई है। और जिसको राम जी बुलाए हैं, जिसको बुलाएंगे उसका जाना ज़रूर होगा दोस्तों। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी जाएं अयोध्या नगरी और राम जी का दर्शन हो दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए कि हम भी पहुंच जाए। आज नहीं पहुंचेंगे तो कल पहुंचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ठंड से मोबाइल बहुत हिल रहा है तो कैमरा हाथ काम नहीं कर रहा है, इतना हवा भी चल रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इतने ठंड में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग क्या अभी दोस्तों काम धाम करके खाली हुई बर्तन बर्तन धो के, तो आप लोग के बीच में शेयर नहीं की थी मैंने वीडियो। तो मैं सोची थोड़ा सा अपने फैमिली से बात कर लूँ और कौन कौन अयोध्या नगरी राम जी का दर्शन करने जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। हम जाएंगे नहीं दोस्तों, लेकिन हम खुश तो होंगे, हमारी फैमिली वहाँ पहुँच गई है। बहुत से सिंगर और बहुत से लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी चले जाएं। और हो सके, कोई वो नहीं है, अगर हमारी पब्लिक बुला ली तो हमारी श्री राम जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे ज़रूर। अगर वही हाल है कि कभी न कभी एक दिन राम हमको भी दर्शन देंगे तो दोस्तों, कैमरा पकड़ी तो मैं हाथ दुखने लगा। तो यही हमारे राम जी का एक कहना है कि हमारे गीतों का लाइन है कि घबराओ ना कभी भी, राम मिल जाएंगे, राम जी मिल जाएंगे। तो कभी न कभी मिल जाएंगे दोस्तों। और आज कई वर्षों के बाद हम लोग का ख्वाहिश पूरा हुआ कि हमारे अयोध्या नगरी में हमारे राम जी पधार रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत खुशियां हो। और आप लोग 22 जनवरी को श्री राम जी के नाम से दिवाली मनाइएगा और बहुत अच्छे अच्छे से खुशी मनाइएगा, क्योंकि हमारे दिवाली के पर्व दिन के समय में हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तो वैसे हमारे राम जी आए हैं तो हम भी दिवाली की तरह से खुशियाँ मनाएँगे कि हमारी दिवाली फिर से आ गई है। तो हम सोचते हैं हमारे राम जी हम लोग को खुश रखें। और कण कण में, फूलों में, कांटों में, राहों में, कहीं भी देखो
हर जुबान पे राम भी हैं, लेकिन राम का दर्शन कुछ अलग होता है दोस्तों। तो आप लोग अपना काम काज छोड़ के जाइए, मैं तो बहुत दूर हूँ, और मैं दूर भी हूँ, मजबूर भी हूँ, और मैं जा नहीं सकती। मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं भी जाऊँ, जब तक हमारी पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो हम उस लायक नहीं होंगे, तो हम कैसे जाएंगे? हमारे श्री राम जी बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, जो इस वीडियो को हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उनसे पैर छू के प्रणाम कर रही हूँ कि आप लोग काम काज छोड़ के जाइए, राम जी का दर्शन कीजिए, गुणगान कीजिए, और वहाँ जाके गुनगुनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं गुनगुनाना चाहिए, अगर मन भक्ति भाव भजन से श्री राम का दर्शन अगर आप लोग करोगे तो कुछ न कुछ ज़रूर उसका नतीजा होगा। कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, मन तो तर जाएगा, अगर अपना मन तर गया तो हम दुनिया से तर गए, यही तो हमारा कहना है। एक किसी का दोस्तों कैमरा हिल रहा है, तो ये देखिए हमारे यहाँ कितना ठंड है, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना कुहासा है, हवा भी चल रही है, छत पे आने का मन नहीं करता है, लेकिन नीचे लाइट कट गई थी तो कैमरा नहीं साफ आ रहा था, इसलिए मैंने छत पे आई। और आप लोग को बीच में कल मैंने एक गीत भी शेयर किया था, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके नहीं बताए, मैं कमेंट का इंतज़ार करती रही और आप लोग नहीं सुनाए, नहीं हमको बताए, आप लोग बताइए प्लीज़। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट में शेयर कीजिए, बताइए, क्योंकि मैं अपने वीडियो में और सुधार कर सकूं। मैं यही सोचती हूं, हमारे दिल में यही दबदबी बनी रहती है कि क्या काश तो मेरे ब्लॉग वीडियो में कुछ गलती होती, जब भी हमारी पब्लिक नहीं देख रही है, नहीं सपोर्ट कर रही, कमेंट नहीं कर रही, बताती नहीं है, तो मैं 100% उम्मीद करती हूं कि आप लोग कमेंट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, और आप लोग बताइए कि हमारे ब्लॉग में क्या गलती है। और आइए कुछ बातें करते हैं विष्णु राज चौहान की। वर्षक दिवाली बिता, करवा चौथ बिता, और मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ आया 2 महीने के अंदर, लेकिन हर चीज़ का उन्होंने नहीं वो कर पाया। अगर श्री राम जी चाहेंगे तो वो आके दर्शन भी कर सकते हैं। तो सुनाई पड़ा है कि इलाहाबाद से उनका बेल होने वाला है, तो भगवान करे राम जी खुशी खुशी उनको सजा का छुटकारा दीजिए। और उनका परिवार तो टूट गया, पर एक बेटा है, और मैं तो यही दुआ करती हूँ जहाँ रहे युवराज सलामत रहे, खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ मस्त रहे, ना कि उनके माँ का प्यार नहीं मिला दोस्तों, पर पापा का प्यार तो मिल सकता है, और एक न एक दिन तो आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, घड़ी आ जाएगी, उस घड़ी जिस दिन आ जाएंगे बेल से, जेल से बेल हो जाएगा तो आ जाएंगे। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारे श्री राम जी के आने से पहले अगर आ जाते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, और जो उनको चाहने वाले फैमिली है, भगवान से दुआ करिए कि श्री राम जी उनको बुलाएं, वो राम का दर्शन करें और अच्छे अच्छे से युवराज के साथ अपना ज़िंदगी काटें। ये मत सोचिए कि अगर एक दुखी है तो उसके पीछे सब दुखी रहे, नहीं, हम दुखी हैं तो हम ही दुखी रहें, दूसरे को कष्ट झेलने की वो नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और वीडियो को लाइक कमेंट करिए। और एक मैंने वीडियो देखा, लोग कह रहे हैं कि हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, अरे आज इतना सपोर्ट से ही आप लोग इतना ऊपर आए हैं, जो कह रहे हैं कि आज हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, आज हमारी पब्लिक के सपोर्ट से आप लोग इतना ऊपर आए हो, जब इतनी बड़ी बातें आ रही हैं, अगर हमारी पब्लिक नहीं सपोर्ट करती तो आप लोग इतना ऊपर आते नहीं, तो इतना बड़ी बात ही नहीं करते। तो आप लोग वो चीज़ भूल जाओ, वो चीज़ भूल जाओ, अगर हम दूसरे के सपोर्ट से इतने ऊपर आए हैं तो हम पिछड़े हुए लोग का सपोर्ट करेंगे। यही एकता नहीं है जो हमारे माननीय अखिलेश जी और हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, हर एक एक मोड़ पे हो रही है, जो हमारे समाज के ऊपर बहुत ठेस लग रहा है, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर बहुत बहुत से
धाराएं लागू किया गया, बहुत मतलब बहुत परेशानी से झेलना पड़ा एकता के कारण। अगर आज हमारे समाज एकता होती तो शायद ये नतीजा नहीं होता। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जितने हमारे YouTube फैमिली हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग वो चीज़ को भूल जाइए और एक दूसरे का सपोर्ट करिए। अगर आप लोग एक दूसरे का सपोर्टर नहीं बनोगे तो शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं उम्मीद रखती हूँ। जब तक है तभी तक, और बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। चलो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सबसे, और आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दीजिए। जय श्री राम।